राक्षस क्या बोला है रानी पवन रेखा से, जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम है। ऋषियों को और ब्राह्मणों को जवाब दिया है पवन रेखा से, मेरे समान योद्धा होगा वह जीत न कोई पाएगा, और स्त्रियों को और ब्राह्मणों को अरे तुम्हें नहीं मालूम मेरे समान होगा वो बलशाली, बहुत बलवान होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भद्री, अंत में भगवान के हाथों से मारा जाएगा। आज रानी पवन रेखा वहां से चली आई, किसी को कोई बात नहीं बताई। धीरे धीरे वक्त जब गुजरा, आज उस बालक का जब जन्म हुआ है आंगन में, जो दुर्मलक नाम की राक्षस से हुआ था, जब उसका जन्म हुआ तो एक विद्वान तो ये लिख रहा है, श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं, हे महाराज परीक्षित हुआ ये, आकाश हिलो एक महाप्रलय।
आज मेरे भैया जब उस बालक का जन्म हुआ है तब अशगुन होने लगे अशगुन, और कुत्ते रो रहे हैं, बिल्ली रो रही है, आकाश गरज रहा है। ऐसा ही नहीं, अशगुन देख करके महाराज उग्रसेन कहने लगे, बाजी भाई ये क्या हो रहा है, अरे ये बालक है, ये सपूत है या कपूत है? आज उस बच्चे का जन्म हुआ है। प्यारे भक्तजनों, देव ऋषि नारद जी को पता लगा, नारद पहुंच गए, और धीरे धीरे जब वक्त गुजराए हैं तो गर्गाचार्य ब्राह्मण जी ने नाम का संस्कार किया है और नाम रखा है कंस। कंस जो था भक्तजनों धीरे 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 थोड़ा समझदार हुआ। अब जब ये थोड़ा समझदार हुआ तो इसके साथ में कुछ लड़के रहने लगे। बचपन से ही ये उपद्रव करने लगा, बच्चों को